हेलो एवरीवन, सो आज की शॉर्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं आई फ्लू के ट्रीटमेंट के बारे में। बेसिकली अगर आई फ्लू होता है तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट देना होता है पेशेंट को विद प्रिकॉशन। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में, एंड नेक्स्ट वीडियो हम प्रिकॉशन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रिकॉशन बहुत मस्ट है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आई फ्लू। जैसे कि आप सभी जानते हैं आई फ्लू बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है पेशेंट में। ये कोरोना वायरस की तरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हमें इससे कैसे बचाव करना है, अपनी आईज को कैसे सेफ रखना है, सो इन सब के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट क्या है, आई फ्लू का जो ट्रीटमेंट है आपका मॉक्सीफ्लोक्सासिन, एलपी का मीन्स उसमें लोटीप्रेडिनोल, उसमें हमारा एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड दोनों साल्ट होते हैं मॉक्सी एलपी में। एंड एक आपको सीएमसी लेना है, कार्बोक्सी मिथाइल सैलोरस, वार्म कंप्रेस और कोल्ड कंप्रेस कंपलसरी है। कोल्ड कंप्रेस आपको दिन में 3 से 4 बार करना है। एंड आपको अगर पेन, इसमें क्या है लाइटली पेन भी देखने को मिल रहा है पेशेंट में, अगर कम पेन है मतलब पेन जो है वो माइल्ड है, तो आप क्या है कैट्रोलैक, एक आपको कैट्रोलैक आई ड्रॉप लेना है जिसको हमें 3 टाइम डालना है। जैसे देन वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, अगर कम पेन है तो आप 2 से 3 बार उसको यूज़ कीजिएगा, 2 से 3 बार पेशेंट को डालने के लिए बोलिएगा। ज़्यादा पेन है तो हम पेन किलर पैरासीटामोल कोई भी दे सकते हैं पेशेंट को, अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दूसरा, इन्फेक्शन की हमें कंडीशन भी देखनी है, अगर बहुत ज़्यादा रेडनेस है और इचिंग हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। एंड उसके साथ साथ हमें क्या है टैबलेट फॉर्म में, एंटीबायोटिक टैबलेट फॉर्म में देनी है। सिप्ला 500 mg हम पेशेंट को देख सकते हैं, जैसे कि आप सारी मेडिसिन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो अगर किसी भी पेशेंट को आई फ्लू हो रहा है, आईज का इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ध्यान रहे पहले प्रॉपर डायग्नोस करके तभी ट्रीटमेंट दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद कोई भी मेरा व्यूवर्स सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, मीन्स आई फ्लू हो रहा है, तो एक बार अपने पास के डॉक्टर से जाके ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।